दोस्तों आकाश टेक्निकल में आपका स्वागत है। देखिए ये 500 लीटर का ब्लू स्टार का डीप फ्रीज है और ये कूलिंग नहीं कर रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये कूलिंग नहीं कर रहा है। देखिए हमने इसका ये ढक्कन खोला है, ढक्कन खोलने के बाद इसका हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कूलिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमने इसका कंप्रेसर जहाँ लगा होता है उसका ढक्कन खोला, खोलने के बाद जब हमने चेक किया उसमें देखिए इसका ये फिल्टर फूला हुआ है और ये फिल्टर पूरी तरह फूल गया है, यानी कि ये फिल्टर चौक था और इसकी कैपिलरी भी चौक होगी, क्योंकि जब फिल्टर फूला है तो गैस इसमें यहाँ पे अटकी होगी। हमने इसकी कैपिलरी काट के इसकी गैस निकाल दी है। अब हम इसका ये फिल्टर बदलेंगे पहले, क्योंकि ये फिल्टर फूल गया है, यानी कि ये फिल्टर पूरी तरह से ब्लॉक है, चौक है। इसका फिल्टर हम गर्म करके इसका फिल्टर निकाल रहे हैं। दोस्तों इसमें चौकिंग की प्रॉब्लम थी, यानी कि इसकी जो ड्रायर था वो भी चौक था और इसकी जो कैपिलरी है वो भी चौक है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसका ड्रायर कैसे चेंज करें और इस डीप फ्रिज में कैपिलरी कैसे चेंज करें। देखिए जो ये कैपिलरी है ये पूरी तरह से चौक है, इस कैपिलरी को हम निकाल देंगे और इसके बाद दूसरी नई कैपिलरी लगाएंगे। पूरी जानकारी आपको देंगे किस तरह से इसकी कैपिलरी बदलें और क्या उस कैपिलरी का डाटा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहें, क्योंकि यदि आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप महत्वपूर्ण पार्ट्स छोड़ देंगे, नहीं देख पाएंगे। देखिए हम पहले इसकी जो कैपिलरी लगी थी उसका थोड़ा सा जो पाइप है उसको ट्यूब कटर की सहायता से काट लेंगे। काटने के बाद इसकी जो कैपिलरी का पीस अंदर है उसको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद नई कैपिलरी हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए हमने इसका जो कैपिलरी का जो टुकड़ा इसमें रह गया था वो हमने पाइप काट के इसको निकाल दिया है। दोस्तों अब हम इसमें जो है नई कैपिलरी लगाएंगे। ये देखिए कैपिलरी कैसे बदलें, ड्रायर कैसे बदलें और गैस कैसे चार्ज करें, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों पुरानी कैपिलरी हमने इसकी निकाल दी है और कैपिलरी लगाने से पहले हम इसकी पाइप को रेगमाल की सहायता से साफ़ कर लेंगे ताकि ब्रेजिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप ब्रेजिंग करें तो पाइप को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि पाइप पे अगर कचरा रहता है तो ब्रेजिंग होने में प्रॉब्लम आती है। ये देखिए कैपिलरी है 0.044 की कैपिलरी है हम इसमें लगाएंगे। 8 फीट कैपिलरी का हम इसमें यूज करेंगे। 0.044 नंबर की कैपिलरी है, हम इस कैपिलरी को इसमें लगाएंगे। देखिए हमने इसको साफ कर लिया है और जो पुरानी कैपिलरी का जो पाइप पे लगी हुई कैपिलरी थी वो भी हमने इसको हटा दी है पूरी तरह से। पुरानी कैपिलरी हमने हटा दी है, अब हम नई कैपिलरी लगाएंगे। इसमें किस तरह से कैपिलरी लगाते हैं ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों आप कैपिलरी को कैसे लगाएं, ड्रायर कैसे लगाएं, गैस कैसे चार्ज करें, पूरी जानकारी है कि वीडियो के माध्यम से आपको आज हम देने वाले हैं। देखिए इस कैपिलरी को हम कैपिलरी कटर की सहायता से काट लेंगे। और दोस्तों जब भी आप कैपिलरी काटें तो कैपिलरी कटर जो आता है उसी की सहायता से आप उसको काटें, ताकि उसका जो होल है, उसका जो छेद है कैपिलरी का, वो अच्छे से खुल जाता है। हम कैपिलरी कटर की सहायता से इसको देखिए हमने काट दिया है इसको कैपिलरी को।
कैपिलरी काटने के बाद हम इसमें ब्रेजिंग करेंगे, किस तरह से ब्रेजिंग करते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। ये देखिए हमने कैपिलरी कटर से कैपिलरी का मुंह काट के खोल दिया है, और अब हम जिस पाइप को हमने अभी साफ़ किया था उस पाइप में कैपिलरी अंदर डाल के इसकी ब्रेजिंग करेंगे, इस पर टाँका लगाएंगे। दोस्तों कैपिलरी का टाँका लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना होता है, कैपिलरी क्योंकि पतली होती है और जो हमारी पाइप है वो थोड़ी मोटी होती है, इसलिए कैपिलरी का टाँका लगाते समय आप सावधानी पूर्वक टाँका लगाएं, पहले पाइप को गर्म करें, उसके बाद कैपिलरी पे आप लॉ को लेके जाएं अपना, और जब तक ये पूरी तरह से पाइप और कैपिलरी लाल ना हो जाए तब तक आप जो है इसको गर्म करें, उसके बाद ही इस पर राड घुमाएं। देखिए टाँका लगाते समय आप बहुत सावधानी पूर्वक टाँका लगाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कैपिलरी होती है पतली होती है, पाइप हमारी मोटी होती है, इसलिए हम पाइप को पहले गर्म करना होता है, उसके बाद कैपिलरी की तरफ लो लैंप को ले जाना होता है, उसके बाद हमें ब्रेजिंग करनी है, तो अच्छे से ब्रेजिंग हो जाती है। देखिए हमने कैपिलरी की ब्रेजिंग इसमें कर दी है और कैपिलरी की ब्रेजिंग हो गई है, हमने कैपिलरी की एक साइड की ब्रेजिंग कर दी है। अब हम इसमें ड्रायर लगाएंगे, किस तरह से ड्रायर की ब्रेजिंग की जाती है, किस तरह से ड्रायर लगाया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों अब हम इसको ठंडा करने के बाद हम पहले कंप्रेसर चला के इसका लीकेज चेक कर लेंगे। हमने दोस्तों कंडेंसर में कॉपर की पाइप लगा दी है, क्योंकि कॉपर की पाइप इसलिए लगाई है कि कॉपर और लोहे पे वेल्डिंग थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हमने इसका पहले वेल्ड कर लिया है, क्योंकि ड्रायर में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ड्रायर भी कॉपर का है और कॉपर की पाइप हमने पहले कंडेंसर की पाइप वेल्ड कर लिया है। हम वैक्यूम पंप से करेंगे, कंप्रेसर से करेंगे, इसलिए हमें इसमें ड्रायर में वैक्यूम पाइप नहीं लगानी है, इसलिए हमने ड्रायर को कंडेंसर में लगाने के बाद इसकी जो वैक्यूम पाइप वाली साइड होती है उसको पंच कर दिया है, और अब हम ड्रायर की ब्रेजिंग करेंगे। दोस्तों ड्रायर की ब्रेजिंग करते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इसकी एक्स्ट्रा पाइप जो पंच करेंगे उसको आप प्रॉपर तरीके से पंच कर दें, वरना जब आप ब्रेजिंग इस पर करेंगे, टाँका जब इस पर लगाएंगे, तो वेल्डिंग राड का लिक्विड यदि ड्रायर के अंदर फिल्टर के अंदर चला जाता है तो उस वजह से भी हमारा ड्रायर चौक हो सकता है, इसलिए आप ब्रेजिंग करते समय विशेष ध्यान रखना है। और जब हमारी पाइप बिल्कुल लाल हो जाएगी तभी हमें वेल्डिंग राड घुमानी है, और ज़्यादा देर वेल्डिंग राड का यूज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा यदि वेल्डिंग राड आप घुमाएंगे तो इसका जो लिक्विड है ड्रायर के अंदर जा सकता है, इसलिए आप जो भी टाँका लगाएं सही तरीके से लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं, जिससे कि उसका जो लिक्विड है वेल्डिंग राड का वो ड्रायर के अंदर ना जाए और लीकेज भी ना रहे। विशेष ये ध्यान देना है कि हमारे जितने भी टाँके हैं कोई भी टाँका लीकेज ना रहे, क्योंकि अगर लीकेज रहेगी दोस्तों तो आपकी गैस वेस्ट जाएगी, गैस का नुकसान होगा, इसलिए जैसे जैसे आप टाँका लगाते रहें वैसे वैसे लीकेज चेक करते रहें। देखिए हमने इसका टाँका लगा के कंप्रेसर चला के इसका भी हम लीकेज चेक कर लिए हैं दोनों टाँके के, दोनों टाँके हमारे सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम कैपिलरी कटर की सहायता से कैपिलरी को दूसरे जो उस कैपिलरी का छोर है मुंह है उसको काट के हम ड्रायर में कैपिलरी का ब्रेजिंग करेंगे, कैपिलरी को का टाँका लगाएंगे। देखिए हमने ड्रायर में कैपिलरी लगा दी है
और अब हम ड्रायर और कैपलरी की ब्रेजिंग करेंगे। ड्रायर कैपलरी की ब्रेजिंग करते समय आपको वही चीज़ फिर कहूँगा कि आपको पहले ड्रायर अच्छे से गर्म कर लेना है, फिल्टर को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद ही कैपलरी की तरफ को ब्लो लैम्प को ले जाना है, क्योंकि कैपलरी पतली होती है, इसलिए आपको ये सावधानी रखनी है कि ड्रायर जो है गर्म होने के बाद कैपलरी को आप गर्म करें और उसके बाद ही इसमें ब्रेजिंग करें, ताकि आपका जो टाँका है वो अच्छे से लग जाए। देखिए हमने इसको गर्म कर लिया है और हमने वेल्डिंग राड अब इसको घुमा दी है और हमारा टाँका जो है बहुत अच्छे से लग गया है। और दोस्तों अब हम पिन वाल का वाल खोल के फ्रिज चला देंगे, कंप्रेसर चला देंगे, ताकि हमारा जो कैपलरी वाला टाँका है वो भी चेक हो जाए कि लीक तो नहीं है। हमने सारे टाँके हैंड टू हैंड चेक कर लिए हैं दोस्तों। अब सारे टाँके हमने चेक कर लिए हैं, अब कैपलरी की सेटिंग, टायर की सेटिंग हमें कर देनी है, ताकि ये जो हम बाहर इसका ढक्कन लगाएं, ढक्कन से कोई भी पार्ट्स ना टकराए, कैपलरी या ड्रायर कोई भी ना टकराए, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से दोनों चीज़ों की सेटिंग कर दें। देखिए हम कैपलरी की अब सेटिंग कर रहे हैं, कैपलरी की सेटिंग करने के बाद, ड्रायर की सेटिंग करने के बाद हम आपको आगे दिखाएंगे इसमें हमें वैक्यूम करना है, वैक्यूम करने का क्या प्रोसीजर, वैक्यूम कितनी देर करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि कैपलरी कैसे बदलें, कैपलरी की सेटिंग कैसे करें। देखिए अब हम इस कैपलरी की सेटिंग कर रहे हैं, इसको आप पुरानी कैपलरी की सहायता से बांध सकते हैं, बांध दें इसको प्रॉपर तरीके से और कैपलरी को नीचे ही रखें, क्योंकि कैपलरी का ज़्यादा हिस्सा अगर आप ऊपर रखेंगे तो कैपलरी जब ठंडी होगी तो इससे मॉइस्चर बनेगी और पानी टपकेगा तो इधर उधर पानी ना जाए, इसलिए आप कैपलरी को नीचे ही रखें ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए हमने इसकी कैपलरी की पूरी सेटिंग कर दी है, ड्रायर को भी हमने अंदर कर दिया है और हमने अब इसमें पिन बाल का हम बाल लगा रहे हैं। पिन बाल का बाल अच्छे से कस दें दोस्तों, ताकि इसमें भी कहीं लीकेज की संभावना कोई ना रहे, क्योंकि अगर बाल पूरी तरह से नहीं कसा जाएगा तो भी हमारी गैस लीक हो सकती है, इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से अच्छे से इसका बाल लगा देना है, बाल कस देना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाएं और कुछ जानकारी हासिल कर पाएं। दोस्तों हमारा चैनल आकाश टेक्निकल के नाम से चैनल है, हम अपने चैनल पर इसी तरह की टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं। देखिए हमने इसको वैक्यूम पर लगा दिया है, हम कंप्रेसर से इसका वैक्यूम कर रहे हैं। कंप्रेसर से वैक्यूम करने के बाद आप वैक्यूम कम से कम आधा घंटा लगभग करें इसका, ताकि पूरी तरह से सही से इसका वैक्यूम हो जाए। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा था, बता रहा था कि हम अपने चैनल पर इसी तरह की टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं। फ्रिज, डीप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, माइक्रोवेव, इंडक्शन, मिक्सी आदि की वीडियो हम डालते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे और वीडियो देख के आप नई नई जानकारी ले पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। देखिए इसका वैक्यूम लगभग हो चुका है, इसका -30 HG पहुँच गया है। ये वैक्यूम आप प्रॉपर तरीके से करें, पूरा वैक्यूम सही से करें, क्योंकि जितना अच्छा वैक्यूम हो जाएगा सिस्टम में उतनी अच्छी कूलिंग आएगी।
पूरा वैक्यूम होने के बाद थोड़ी देर के लिए, देखिए हम सिलेंडर का वजन भी कर रहे हैं, 1 किलो 774 ग्राम सिलेंडर का वजन है। तो दोस्तों वैक्यूम होने के बाद आप वैक्यूम पंप बंद करने के बाद आप थोड़ी देर वैक्यूम को होल्ड रखें, ताकि अगर आपके सिस्टम में कहीं लीकेज है तो आपका वैक्यूम टूट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम में कहीं लीकेज है। इसलिए थोड़ी देर वैक्यूम पर ही रखें सिस्टम को, उसके बाद गैस चार्जिंग की प्रोसेस शुरू करें। देखिए अब हमने इसका वाल्व मीटर का बंद कर दिया है और अब हम इसमें हमने लगभग 15 मिनट इसका इसको होल्ड करके रखा, उसके बाद हम इसमें गैस चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मित्रों ये देखिए हमने कंप्रेसर को हटा दिया है जिससे वैक्यूम कर रहे थे हम, हमारा वैक्यूम हो चुका है और 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, हमने वैक्यूम को होल्ड करके भी रखा है और हमारा वैक्यूम एज इट इज़ है, जैसा था जितना था उतना ही है। इसका मतलब यह है कि हमारे सिस्टम में कहीं भी कोई लीकेज नहीं है। हम सिलेंडर का वजन करने के बाद ही गैस डालेंगे। देखिए 1 किलो 774 ग्राम हमारा सिलेंडर का वजन है। अब हम इसमें गैस चार्जिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं और कैसे गैस चार्ज करते हैं इसकी जानकारी भी हम आपको पूरी देने वाले हैं। हमने चार्जिंग लाइन सिलेंडर में लगा दी है और अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। दोस्तों R134A गैस है इस सिलेंडर में, R134A गैस हमें इसमें चार्ज करनी है। अब हम सिलेंडर को पहले उल्टा करके इसमें हम लिक्विड देंगे और अभी हमें कंप्रेसर स्टार्ट नहीं करना है, अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं करना, हमें बंद कंप्रेसर पे ही गैस डालनी है, यानी कि उल्टा करके सिलेंडर हमें इसमें लिक्विड देना है ताकि हमारा वैक्यूम टूट जाए। हमें इसमें हमने सिलेंडर खोल दिया है, सिलेंडर खोलने के बाद हम वाल्व खोलेंगे और हम इसमें पहले इतनी गैस डाल देंगे, थोड़ी सी गैस हम निकाल देते हैं चार्जिंग लाइन से ताकि इसमें कोई मॉइस्चर या एयर चार्जिंग लाइन में होती है तो वो निकल जाती है। अब हम वाल्व खोल के इसमें गैस का लिक्विड देंगे। दोस्तों देखिए हमने वाल्व खोल दिया है और सिलेंडर हमने पहले खोल दिया था, वो उल्टा करके हम इसका लिक्विड देंगे। दोस्तों गैस आप जब भी डालें तो सिलेंडर उल्टा करके ही डालें। देखिए हमने इसमें लगभग 40 PSI के आसपास गैस का लिक्विड दे दिया है, थोड़ा सा और हम इसमें बढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। और गैस डालने के बाद थोड़ी देर आप 5 मिनट होल्ड करके रखें, कंप्रेसर को स्टार्ट ना करें, क्योंकि हमने इसमें और अभी गैस छोड़ी है। अब लगभग हमारा 60 PSI लिक्विड इसमें चला गया है गैस का और अब हम इसे 5 मिनट होल्ड करके फिर हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो इसमें गैस कम रह जाती है धीरे धीरे हमें उसमें गैस डालनी है और पूरा आपको हम दिखाएंगे इसमें हम कितनी गैस डालें और कूलिंग की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें, वरना आपको हो सकता है कोई ऐसी जानकारी हो जो आप नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए, तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए हमने इसका सिस्टम का प्लग लगा दिया है और इसको ऑन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे क्लैंप मीटर में। हम आपको हैंड टू हैंड इसके एम्पियर भी दिखाते चलेंगे। देखिए मीटर की सुई नीचे आने लगी है और हमारा वैक्यूम, हमने वैक्यूम तोड़ने के लिए 60 PSI इसमें दिए, गैस का लिक्विड दिया था और हमने अब कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इसकी जो डिस्चार्ज लाइन की पाइप है वो गर्म होने लगी है और कैपिलरी के पास जो पाइप है उस पर हल्की हल्की स्नो आने लगी है। अब हमें धीरे धीरे हमें इसमें गैस पूरी करनी है। हम गैस डालने के बाद जब हम कंप्रेसर स्टार्ट कर देते हैं तो हमें फिर
एक बार इसके सारे जो हमने ब्रेजिंग की थी, जो टाँके लगाए थे, उनको एक बार फिर उनकी लीकेज चेक कर लेनी है, ताकि हमारा जो गैस है वो वेस्ट ना जाए, ख़राब ना हो। हमने सारे टाँके इसके चेक कर लिए हैं, सारे टाँके प्रॉपर तरीके से सही हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे गैस चार्ज करेंगे और कितनी गैस हमें इसमें डालनी है वो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे देंगे। तो देखिए, और गैस दोस्तों हमेशा आप धीरे धीरे डालें, गैस डालने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में जब अगर आप गैस डालेंगे तो गैस यदि कम रह जाती है तो भी प्रॉब्लम, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी प्रॉब्लम। इसलिए गैस हमेशा धीरे धीरे डालें। इसकी डिस्चार्ज लाइन गर्म होना शुरू हो गई है और इसका टायर भी हल्का हल्का गर्म हो रहा है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं मीटर में कितनी गैस शो कर रहा है। अभी हमारा वैक्यूम से ऊपर है, अभी हमें इसमें सिस्टम में गैस और देनी है, डालनी है। हम धीरे धीरे गैस का प्रोसेस शुरू करेंगे। हमने इसका वाल्व बंद कर दिया था, अब हम इसका वाल्व खोल देते हैं और धीरे धीरे इसमें गैस हम चार्ज करेंगे। देखिए, आप हमेशा जब भी गैस चार्ज करें, चाहे वो कोई सा सिस्टम हो, फ्रिज हो, डीप फ्रिज हो, एसी हो, वाटर कूलर हो, तो गैस को आप धीरे धीरे ही डालें, ताकि गैस कंप्रेस होके, कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस होके गैस सिस्टम में जाए, धीरे धीरे जाए। इसलिए आप हमेशा, अभी देखिए इसके जो एम्पियर 1.5 दिखा रहा है, 1.5656, अभी इसके एम्पियर भी कम है और इसमें गैस भी कम है, तो हम इसमें धीरे धीरे गैस को पूरा करेंगे। और आप जैसे जैसे गैस डालते रहें, वैसे वैसे डिस्चार्ज लाइन चेक करते रहें, टायर चेक करते रहें कि हमारा हीटिंग पोजीशन क्या है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, हमने सिलेंडर को उल्टा करके रख दिया है और हम इसमें फिर गैस इसमें डालेंगे, धीरे धीरे हम इसमें गैस छोड़ रहे हैं। आप भी दोस्तों जब भी गैस डालें तो गैस को इसी तरीके से डालें। देखिए, हमने इसका वाल्व खोला और हमने फिर इसमें गैस थोड़ी छोड़ दी है। इसी तरह से आप जब भी गैस डालें सिस्टम में, तो आप गैस को बहुत आराम से डालें, गैस डालने में कोई जल्दबाजी ना करें। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए अभी हमारा गैस का जो मीटर बता रहा है वो अभी काफ़ी कम गैस है इसमें। अभी देखिए, ये 10 PSI के आसपास पहुंच गई है। हमें इसमें 13 से 15 PSI गैस रखनी है, इसलिए हम इसमें धीरे धीरे गैस डालेंगे और इसकी कूलिंग भी चेक करते रहेंगे। डिस्चार्ज लाइन कितनी गर्म हो रही है वो भी देखते रहेंगे, टायर कितना गर्म हो रहा है वो भी देखते रहेंगे, और अंदर कूलिंग की क्या स्थिति है हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है डीप फ्रिज में कूलिंग आने में। अब देखिए, जो आप कैपलरी के पास आइस देख रहे थे वो आइस मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें गैस बढ़ाएंगे वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और पूरे सिस्टम में कूलिंग तभी होगी जब हमारा ये कंडेंसर पूरा गर्म होने लगेगा, ड्रायर हमारा गर्म होने लगेगा, तो फिर हमारी अंदर सिस्टम में कूलिंग आना शुरू हो जाएगी। देखिए, आप मीटर देख पा रहे होंगे 10 PSI से नीचे ही अभी गैस शो कर रहा है, तो हमें इसमें धीरे धीरे गैस चार्ज करनी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इसका जो एम्पियर है 1.7 शो कर रहा है, इसके एम्पियर लगभग 1.9 या 2 एम्पियर होने चाहिए। डैनफोर्स का इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, तो हम जैसे चार्ज करेंगे तो मीटर से गैस भी चेक करते रहेंगे और एम्पियर भी गैस चेक करते रहेंगे, ताकि हमारा जो सिस्टम है, हमने देखिए इसको कंप्रेसर को ऑफ कर दिया है, हम देखते हैं इसका प्रेशर कितना जाता है, बैक प्रेशर देखिए 40 PSI के आसपास ये पहुंच गया है। थोड़ी देर हम इसको बंद रखेंगे, उसके बाद फिर कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे
और फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें गैस कितनी हुई, एम्पियर कितने हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आप लगातार बने रहें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें और जानकारी हासिल करते रहें। देखिए इस हमारा जो मीटर शो कर रहा है लगभग 60 PSI के आसपास पहुंचने वाला है ये। हमने फ्रिज बंद कर दिया है, उसके बाद हम आपको फ्रिज स्टार्ट करके दिखाएंगे। देखिए 60 PSI के आसपास ये पहुंच गया, हमारा मीटर पहुंच गया है। आप गैस डालते समय बीच में कंप्रेसर को बंद करके चेक कर सकते हैं, करना भी चाहिए। देखिए ये 80 के आसपास हमारी मीटर की सुई पहुंचने वाली है, आप देख पा रहे होंगे 80 PSI के आसपास हमारी सुई मीटर की गैस के मीटर की सुई पहुंच गई है। अब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने अब इसके कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया है और देखिए आप हमारा क्लैम मीटर 2.6, 2.7, 2.5, 2.4 इस तरह से एम्पियर दिखा रहा है। धीरे धीरे इसके एम्पियर कम हो जाएंगे और आप देखिए मीटर हमारा जो गैस शो कर रहा है वो लगभग 10 पाउंड के आसपास इसकी सुई पहुंच जाएगी धीरे धीरे, अभी क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है इसको। अभी हमारी सुई 20 PSI दिखा रही है, अभी धीरे धीरे ये इसकी सुई नीचे आ जाएगी और हमें 13 से 15 PSI इसका प्रेशर रखना है गैस का। इससे ज़्यादा हमें गैस नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा गैस कर देंगे तो इसमें बर्फ़ नहीं आएगी, केवल ठंडा ही होगा। प्रॉपर तरीके से जैसा जो डी फ्रिज का काम है कि इसका जो कंप्रेसर है वो माइनस में चलता है, तो हमें इसमें बर्फ़ चाहिए। इसमें आप हम देखिए इसकी जो बैक है, जो सक्शन लाइन है वो भी ठंडी होने लगी है, धीरे धीरे वो सक्शन लाइन पे बैक आ गई है और हमारा जो कंडेंसर है पूरी तरह से गर्म हो रहा है, ड्रायर भी हमारा गर्म हो रहा है। और एम्पियर देखिए हम आपको दिखाते हैं लगभग 1.9 एम्पियर शो कर रहा है। अभी हमें इसमें गैस थोड़ी सी और बढ़ानी होगी। दोस्तों फ्रिज बंद करने का यही फ़ायदा है कि आप बंद जब फ्रिज कर देंगे तो आपको प्रॉपर गैस की जो स्थिति है वो सामने आ जाएगी। जब हम जल्दबाजी में गैस डालने के बाद छोड़ देते हैं तो उसमें गैस कभी कभी कम भी हो जाती है कंप्रेस होके, और कभी हम गैस ज़्यादा पहुंच जाती है क्योंकि हम जब फ्रिज को बंद करते हैं तो गैस पूरे सिस्टम से वापस आती है, तब पूरी जानकारी होती है कि हाँ गैस की क्या प्रोसेस है, कितनी गैस हमने इसमें डाल दी, कितनी हमें डालनी चाहिए थी। इसलिए आप गैस डालते समय बीच में एक दो बार सिस्टम को बंद करके आप चेक करें, उसके बाद स्टार्ट करें तो आपको क्लियर पोजिशन हो जाएगी। देखिए हम अंदर आपको दिखाते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत अच्छी कूलिंग आई है, चारों तरफ इसमें कूलिंग आ गई है। अभी आइस इसमें नहीं आई है लेकिन कूलिंग चारों तरफ आ गई है, आप देख पा रहे होंगे कूलिंग इसमें बहुत अच्छी आई है। और हमारा सिस्टम पूरा सही तरीके से काम कर रहा है, कोई चॉकिंग इसमें नहीं है। देखिए आप देख पा रहे होंगे जो इसकी सक्शन लाइन है उस पर हल्की हल्की आइस आ गई है, इसका मतलब यह है कि हमारी गैस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। देखिए आप मीटर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप 15 PSI के आसपास इसकी गैस पहुंच गई है, जितनी इसकी गैस की रिक्वायरमेंट थी गैस इसमें कंप्लीट हो चुकी है। और हमने आपको इसकी कूलिंग भी दिखाई, इसके एम्पियर देखिए 2 एम्पियर ले रहा है ये, 1.9 और 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग ले रहा है ये। हमारी डिस्चार्ज लाइन प्रॉपर गर्म हो रही है, फिल्टर भी हमारा गर्म हो रहा है और हमारी बैक भी आ चुकी है, सक्शन लाइन पे आइस आ रही है हल्की हल्की। हमने आपको अंदर कूलिंग भी दिखाई थी, कूलिंग भी इसमें बहुत आना शुरू हो गई है, हमारे सिस्टम में गैस पूरी हो चुकी है।
देखिए हम आपको दिखाते हैं इसमें अंदर कूलिंग की क्या पोजीशन है। देखिए अब पूरा ऊपर से नीचे तक आपको उस समय हमने दिखाया था तो आधे पोर्शन में इसकी कूलिंग थी। अब ये देखिए नीचे तक इसमें कूलिंग आ गई है, बहुत अच्छी कूलिंग इसमें आई है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और दोस्तों तो शेयर करें। और देखिए अब पूरी तरह से इसमें कूलिंग आ गई है, गैस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने आपको दिखाया इसके एम्पियर भी एक्यूरेट है, 1.9 और 2 एम्पियर शो कर रहा है। ये गैस हमारी 15 PSI के आसपास हो गई है। हमारा कंडेंसर पूरी तरह से गर्म हो रहा है, ड्रायर भी गर्म हो रहा है और बैग भी आ चुकी है।